हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्रा ग्रुप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं लास्ट सेशन के बेसिस पे कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे, क्योंकि एज अ करंट अफेयर बात करें, एज अ स्टैटिक बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कशन करेंगे, फिर देखते हैं स्टेट, देन फिर न्यूज, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का। तो यहां पर समय को ना व्यतीत करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2018 बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्रीज आर्मी कमेंस्ड। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2018 शुरू हुआ है। अगर मैत्री 2018 की मैं अगर बात करता हूं तो एक आर्मी एक्सरसाइज है, और ये जो आर्मी एक्सरसाइज है वो इंडिया की और एक थाईलैंड देश है, थाई गाइस, उसके बीच में जो आर्मी है, दोनों देशों की आर्मी है, उनके बीच में एक एक्सरसाइज है। सो आंसर की बात यहां पर करते हैं, थाईलैंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जरा समझिए क्वेश्चन को। अभी हमने पहला क्वेश्चन यहां पर देख लिया कि एक्सरसाइज है जो मैत्री 2018, वो किन दो देशों के बीच में है, या यूं कहे भारत की किस देश के साथ है, तो वो रहा थाईलैंड। दूसरा क्वेश्चन ये है सीबीडीटी, जो कि डायरेक्ट टैक्स को यहां पर कह सकते हैं कि मैनेज करती है, रेगुलेटर एक तरीके से हम अगर हम बात करें तो उसके जो चेयरमैन है, हेड है, सुशील चंद्र है, उसी सीबीडीटी के एज अ मेंबर के तौर पर किसकी नियुक्ति रही है। सो आंसर की बात यहां पर करते हैं, जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है यहां पर आदित्य वर्मा एंड प्रमोद चंद्र मोदी। जरा समझिएगा, आदित्य वर्मा एंड प्रमोद चंद्र मोदी दो लोगों का यहां पर अपॉइंटमेंट रहा है एज अ मेंबर ऑफ द सीबीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद द उमंग प्लेटफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग आउट टू कंज्यूमर्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। किस मोबाइल ऐप को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं तक पहुंचने और उनके हितों की रक्षा के लिए उमंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है। जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात करेगा। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। जो ये एक प्लेटफॉर्म है उमंग प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर की सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट की जितनी भी कह सकते योजनाओं की बात करें या यूं कि जितनी भी सर्विसेज है वो यहां पर अवेलेबल रहेंगी। उसी पर दो एप्लीकेशन को और इंटीग्रेट किया गया है, मतलब कि ये दो एप्लीकेशन है अब इस उमंग प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल रहेंगी, जिसका नाम है एक माई कॉल एंड डीएनडी 2.0, जैसा कि आंसर आ रहा है। डीएनडी 2.0 और माई कॉल दो एप्लीकेशन है, इनको याद रखना है। अब ये उमंग प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल होंगी। उमंग की फुल फॉर्म क्या है अगर आप बता पाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। हु हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू मटीरियल रिसाइकलिंग। किसने वस्तुओं की रिसाइकलिंग के माध्यम से सतत विकास विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगर मैं आपको यहां पर ऑप्शन दूं तो रामनाथ कोविंद हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, सुमित्रा महाजन या नितिन गडकरी। हु हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू मटीरियल रिसाइकलिंग। सो गाइस, आंसर की बात यहां पर करें, जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है यहां पर नितिन गडकरी, जो कि बात कर सकते हैं गाइज, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट यहां पर किया गया था। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिफाइड एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यहां पर जो आंसर आ रहा है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज अ फुल फॉर्म ऑफ द उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु हैज स्वॉन इन एज द सुप्रीम कोर्ट जज। किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कल तीन लोगों ने यहां पर कह सकते हैं शपथ ली थी, तीन जस्टिस की बात करें गाइस तो उन्होंने यहां पर कह सकते हैं न्यायमूर्तियों ने शपथ ली थी, तो उन तीनों के नाम क्या है जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन है वह व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। सो आंसर की बात यहां पर करते हैं, जो आंसर आना स्टार्ट हो गया है वो आ रहा है इंदिरा बनर्जी एंड विनीत सरन एंड के एम जोसेफ। तो गाइज इन तीनों के ही नाम आपको याद रखने हैं, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन और के एम जोसेफ वॉज स्वॉन एज दी सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी नीति आयोग यूनाइटेड नेशन ऑफिस इन इंडिया एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विल ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। किस शहर में नीति आयोग भारत में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय
और उद्योग संगठन CIIIU कहें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से सरकार और कारोबारियों के बीच, गवर्नमेंट और जितने भी कह सकते हैं व्यापारी वर्ग हैं उनके बीच साझेदारी पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो आंसर की बात यहां पर करते हैं, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। सो गाइस अगेन आंसर इज द न्यू दिल्ली यहां पर वेन्यू रहा था, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी अटल पेंशन योजना स्ट्रेटजी कम रिव्यू मीटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 फॉर साउथ बेस्ड बैंक वॉज हेल्ड। किस शहर में दक्षिण भारत स्थित बैंकों हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए APY अटल पेंशन योजना रणनीति सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अगर मैं यहां पर बात करूं अटल पेंशन योजना से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस की, एलिजिबिलिटी के लिए उम्र क्या है, एज क्या है, 18 to 40 years है। पॉइंट नंबर टू, मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा 1000, मैक्सिमम पेंशन कितना मिलेगा 5000, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। बेंगलुरु इज राइट आंसर, बेंगलुरु यहां पर कह सकते हैं कि वेन्यू रहा था। नेक्स्ट है यहां पर, फॉर्मर डैश चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि हैज पास्ड अवे रिसेंटली। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि का हाल ही में निधन हो गया है। सो आंसर की बात यहां पर कह रहे हैं, जो आ रहा है वो आ रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि का हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते देखते हैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग का मुख्यालय कहां है। सो आंसर की बात यहां पर करते हैं, नीति आयोग की बात करें तो गाइस इसका पहले नाम प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था, बट 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जरा समझिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। एंड पॉइंट नंबर टू, फॉर्मेशन ईयर इज 1 जनवरी 2015। इसका नाम पहले प्लानिंग कमीशन था, नाम चेंज करके 2015 में नीति आयोग रखा गया। हेडक्वार्टर की बात करें नई दिल्ली, जिस पर हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। चेयरमैन की बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। एंड वाइस चेयरमैन की बात करें, राजीव कुमार इज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का मुख्यालय कहां है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहां है। रीसेंट एग्जाम में अभी इस पर एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, पूछा यही गया था कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, किसका भाई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। तो अगेन याद रखना है हमें, नीति आयोग की बात करें, CII की बात करें, दोनों का ही हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो प्लीज रिमेंबर गाइज, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बढ़ते हैं देखते हैं इसी के बारे में कुछ और बातें हैं। फॉर्मेशन ईयर है 1865 एंड हेडक्वार्टर की बात करें, नई दिल्ली इज अ हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, राकेश भारती मित्तल इज अ प्रेसिडेंट। ऊपर जो आपको दिख रहे हैं वो बैठे हुए हैं, वो राकेश भारती मित्तल है। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है, बट गाइस समझिएगा, मैं आपको वर्बली सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं, चंद्रजीत बनर्जी इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आई होप सो गाइस सारी चीजें आपके क्लियर होती चल रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, या यूं कहें मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं, 6, 5, 8, 4 या 7। 6, 5, 8, 4 या 7 या मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो टोटल उसमें मेंबर्स कितने होते हैं। अब एग्जाम में इतने बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ना ही ये मत सोचिएगा बैंक के पर्पज से ही है, ये SSC रेलवे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आ सकता है। पहले तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPC, MPC का पूर्ण रूप क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। पॉइंट नंबर टू, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। सो गाइज आंसर इज द 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में। सो आंसर की बात यहां पर करते हैं, जो आंसर आता है वो ऑप्शन 1 आता है, 6 मेंबर होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 3 आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, इसका उद्देश्य है जितनी भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत गाइज दर है उनका निर्धारण करना। पहले क्या हुआ करता था, RBI के जो गवर्नर हैं, या यूं कहें गवर्नर्स की बात, जितने भी गवर्नर्स रहे उन्हीं के पास वोटिंग पावर, एक तरीके से कहें कि वीटो पावर होती थी। उन्होंने बोल दिया रेट बढ़ना है किसी भी, चाहे रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, कुछ भी हो, उसका रेट बढ़ना है तो इंक्रीज, उन्होंने बोल दिया डिक्रीज, तो गाइज उसको ही माना जाता था, उन्हीं का ही डिसीजन कह सकते हैं सर्वोपरि रहता था। बट क्या हुआ है कि जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है तो यहां पर कहा गया है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे कमेटी में जितने मेंबर्स हैं सभी से पूछा जाएगा, जहां पर मैक्सिमम वोट जाएगा जिस
डिसीजन की तरफ, उसी को वहां पर क्या कहते हैं कि गाइस बिल्कुल एग्री कर दिया जाएगा। इन केस 6 मेंबर है, 3-3 के केस में टाई हो जाता है, तो उस केस में किसका डिसीजन होगा? उस केस में जो गवर्नर होंगे, जो वो जिस तरफ लुढ़क जाएंगे उसी पलड़े को हम भारी मान लेंगे। लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वुड बी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग बेंचमार्क पॉलिसी रेट, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस रेपो रेट। इसका जो उद्देश्य है वह रेपो रेट को कह सकते हैं गाइस कि उसको डिसाइड करना है, उसको फिक्स करना है, क्योंकि रेपो रेट पे ही बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF सब कुछ बेस्ड रहता है। रिक्वायर्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन विद इन अ स्पेसिफाइड टारगेट लिमिट। जो एक गवर्नमेंट का टारगेट है 4% का इन्फ्लेशन लेके चलना है, 2% प्लस 2% माइनस, तो गाइज यहाँ पर जो टारगेट रहता है गवर्नमेंट का कि 2% प्लस माइनस 2% जो रहता है उसको कह सकते हैं उसी की लिमिट में रखने के लिए इन्फ्लेशन को, ये यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम रहता है रेपो रेट वगैरह को यहाँ पर डिसाइड करना। 6 मेंबर्स की बात करें, 3 RBI से आते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। 3 RBI की जो है वो है उर्जित पटेल, विरल आचार्य, माइकल डी पत्रा। एंड माइकल डी पत्रा का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तीनों ही हैं। उर्जित पटेल गवर्नर है, वो भी इसके मेंबर हैं। विरल आचार्य जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है। एंड माइकल पत्रा की बात करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI के, गाइस ये सारी बातें याद रखनी है। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं, चेतन घाटे, पामी दुआ, रविंद्र एच ढोलकिया। जितने भी गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं उनका जो मैक्सिमम टेनर रहता है 4 ईयर्स का यहां पर रहता है, प्लीज रट लीजिएगा। 3 गवर्नमेंट के कौन से हैं, 3 RBI के कौन से हैं, आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भाई आगे बढ़ जा। ओके गाइस, लगता है देयर इज एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। सो गाइस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में आपसे वर्बली बोल रहा हूं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, एडिस अबाबा, हेलसिंकी, बारूत या बमाको। जरा समझिएगा ध्यान से कि युगांडा की कैपिटल क्या है, क्या कंपाला है, क्या एडिस अबाबा है, क्या गाइज अगर हम बात करते हैं हेलसिंकी है, बारूत है या बमाको है। सो आंसर की बात यहां पर करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, एंड फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, लेबानन की कैपिटल है बारूत, एंड माली की कैपिटल है बमाको। सो ऑप्शन जो बचता है वो है ऑप्शन नंबर 1। युगांडा की बात करेंगे, अभी आपको जल्दी ही विजिबल हो जाएगा, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। एंड करेंसी की बात करते हैं, वह है सिलिंगाइस, प्लीज रिमेंबर युगांडा की कैपिटल क्या रही, कंपाला। एंड करेंसी की बात करते हैं, तो करेंसी हमें याद रखनी है, करेंसी यहां पर रही है शिलिंग। आई होप सो गाइस क्लियर होता चल रहा होगा, जल्दी ही आपको स्क्रीन में विजिबल कराऊंगा। उससे पहले कुछ मेरे चंद क्वेश्चन है, अगर आप उसका आंसर दे पाए प्लीज प्लीज जरा गाइज, हम एक एक मिनट कीमती है। जो 4 प्रिंटिंग प्रेस है वो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है, जरा प्लीज बताइए मुझे। जो नोटों की छपाई होती है वो 4 जगह कौन कौन सी है, 4 प्रिंटिंग प्रेस कौन कौन सी जहां पर नोटों की छपाई होती है, तो हमें याद रखना है मैसूर, सालवोनी, देवास और नासिक। सेकेंड क्वेश्चन है गाइज, यहां पर सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो सिक्कों की ढलाई होती है, जो टकसाल है जिसे हम मिंट भी कहते हैं, 4 मिंट है, वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी मिंट है। सो मिंट की बात करते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, 4 जगह हैं जहां पर कह सकते हैं गाइज कि सिक्कों की ढलाई होती है, तो वो भी आपको याद करते हुए चलना है। तो चलिए दोबारा से हम मिस्टर इंडिया बन गए थे, आ गए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा की राजधानी क्या है, तो गाइज युगांडा की राजधानी है कंपाला। अरे सर कंपाला तो आपने बता दिया, बाकी के ऑप्शन तो हमें याद नहीं है, तो चलिए याद करते हैं यहां पर बॉक्स मेथड से। युगांडा, कंपाला, शिलिंग, जरा समझिए गाइज, युगांडा, कंपाला, शिलिंग, इथोपिया एडिस अबाबा बिर, इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, करेंसी बिर, फिनलैंड हेलसिंकी यूरो, लेबानन बारूत पाउंड, एंड माली बमाको फ्रैंक। समझिएगा यार ध्यान से, आज ये वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको लिखकर नहीं बता सकता, बट गाइज मैं आपको वर्बली बता रहा हूं तो भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। युगांडा, कंपाला, शिलिंग, इथोपिया एडिस अबाबा बिर, फिनलैंड हेलसिंकी यूरो, लेबानन बारूत पाउंड, एंड माली बमाको फ्रैंक। बढ़ते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज दी वर्ल्ड होम्योपैथी डे, कौन सा दिन विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 7 अप्रैल की बात करें गाइस, अगर 7 अप्रैल आप बता पाए क्योंकि मेरे माइंड से तो स्किप हो गया है, 10 अप्रैल की बात करें क्या वर्ल्ड होम्योपैथी डे, या 17 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, कोई ना कोई तो दिन है यहां पर, दया कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। सो गाइज आंसर की बात करते चलिए बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर 4। जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है वो 10 अप्रैल को आता है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की बात करें वह 17 अप्रैल को आता है। इसके अलावा और कौन कौन से डेज है, चलिए आते हैं बढ़ते हैं।
वर्ल्ड टीबी डे की बात करते हैं, 24 मार्च को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करें, 2 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें, 7 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की बात करें, 10 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। एंड वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात करते हैं तो यह 17 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। मुझे लगता है यहां तक बिल्कुल आपकी सारी बातें क्लियर होंगी। बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, स्टेट को हम मिड में ही रखेंगे, क्योंकि क्या होता है समय की अभाव के कारण, लैक ऑफ टाइम, कभी कभी हम बोलते हुए निकल जाते हैं। स्टूडेंट का कहना है नहीं सर आप मिड में ही रखिए, भले 1 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन हम स्टेट पहले चाहते हैं। तो गाइज स्टेट हम मिड में ही डिस्कस किया करेंगे। स्टेटहुड की बात करते, 26 जनवरी 1960 इज अ स्टेटहुड, इसका गठन हुआ था। कैपिटल की बात करें, दिसपुर इज अ कैपिटल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद सोनोवाल इज अ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर इज जगदीश मुखी। सर यहाँ से क्या क्या याद करना है, यहाँ से पहले तो कैपिटल इंपॉर्टेंट दिसपुर, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं वो है सर्वानंद सोनोवाल, एंड नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नर की तो गाइज वो है जगदीश मुखी। अब इसके DLR नंबर पर आते हैं, 331407 इज अ DLR नंबर। DLR नंबर का मतलब है डिस्ट्रिक्ट रहे 33, लोकसभा रही 14 एंड राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते तो गाइस वह है 7। लार्जेस्ट सिटी की बात करें गुवाहाटी। अब मेरा क्वेश्चन है यहां पर जरा समझना, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम के क्वेश्चन है, धड़ल्ले से एग्जामिनर पूछ रहा है, सिर्फ एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है और स्टूडेंट यहां पर कह सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्टिकुलर सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यह पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर स्थित है, किस रिवर बैंक पर है। तो प्लीज गाइज हरी अब जरा मुझे बता दीजिए किस नदी के तट पर यहां पर स्थित है गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट 331407 असम का नंबर है, डायल करिए आप डायरेक्ट असम पहुंच जाएंगे। 33 डिस्ट्रिक्ट हुए, 14 लोकसभा रही, 7 यहां पर राज्यसभा सीट रहती हैं। तो यहां पर आंसर आ चुका है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है गुवाहाटी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, असमी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दी असम। बॉर्डर स्टेट की बात करें, जिन जिन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या वेस्ट बंगाल। जरा समझिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देश की बात कर लेते हैं तो भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज और डिटेल में देखते हैं, टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश है एक बार जरा मैप को विजिबल किया जाए। देखो दोस्तों मैं लिख तो पाऊंगा नहीं बट फील कराता हूं आपको कि कौन कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आप देखिए यहां पर जो आपको इंडिया का ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिख रहा है, इसमें देखिए असम बिल्कुल सेंटर में है, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। देखिए क्लॉकवाइज चलेगा, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से आप आगे बढ़ते नागालैंड है, नागालैंड से आप आगे बढ़ेंगे तो मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर गाइज मेघालय है, मेघालय के आगे आप बढ़ते हैं तो गाइज आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल का भी एक थोड़ा सा पार्ट है जो कि असम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप एक बार मैप रीड करने में यहां पर बिल्कुल सामर्थ होंगे। इसके अलावा बात करते गाइज जो देश है, जिन देशों की बात कर रहे हैं, एक भूटान है और एक बांग्लादेश है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको टॉप पर दिख जाएगा कि ये सिक्किम के जो बगल वाला पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश के बीच वाला पार्ट है वो भूटान है और भूटान के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रहा है। और जो ये नीचे वाला जो पार्ट है त्रिपुरा के बीच में कह सकते हैं गाइस, त्रिपुरा वेस्ट बंगाल के बीच में, मेघालय के नीचे, तो गाइस आप कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट बांग्लादेश है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो दो देश कौन कौन से रहे वो मुझे लगता है क्लियर होगा। भूटान की कैपिटल है गाइस थिम्पू एंड करेंसी इज नगुलत्रम। जरा समझिएगा भूटान की कैपिटल है यहाँ पर थिम्पू एंड करेंसी की बात करते हैं वो है नगुलत्रम। एंड अगर गाइज बात करते हैं इसके अलावा कि बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी क्या है तो मुझे लगता है कि मेरी टेक्निकल टीम भी अभी आंसर देके बता देगी कि बांग्लादेश की कैपिटल एंड करेंसी क्या है। तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में आप भी शुरू हो जाइए और बता दीजिए कि बांग्लादेश की कैपिटल और करेंसी यहां पर क्या है। हम बढ़ते हैं आगे डिटेल में, डिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क, ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स कहां पर हैं? ये सारे के सारे असम राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा गाइज ढाका टका बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका एंड करेंसी की बात करते हैं वो टका है। पोबितुरा, बुरा चपोरी एंड चक्रशिला एंड लाओखोबा, जरा समझिएगा मुझे लगता है रट गए होंगे अभी तो। पोबितुरा, बुरा चपोरी, चक्रशिला एंड लाओखोबा, ये कह सकते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, उसका नाम है माजुली। माजुली इज अ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। अगर हम बात करें रिवर में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो गाइज जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में उसमें सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है माजुली। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम की बात करेंगे, ये भी आपका असम राज्य में स्थित है। कामाख्या टेम्पल, शुक्रेश्वर टेम्पल, दो फेमस टेम्पल बोथ आर लोकेटेड इन असम। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही एग्जाम का क्वेश्चन रहा था, यही पूछा गया था, तो इसे प्लीज रिमेंबर। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो गाइस ये भी आपका असम राज्य में स्थित है।
आते हैं देखते हैं आज के सेशन की फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। गवर्नमेंट हैज सेटअप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू लुक इन टू इश्यूज रिलेटेड टू प्रपोज्ड मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। सरकार ने प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौते RCEP से संबंधित मुद्दों पर नजर रखने के लिए मंत्रियों के एक समूह को स्थापित किया है, उसका गठन किया है। अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली न्यूज क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। 16 देश इसका एक तरीके से पार्ट है RCEP के। RCEP क्या है वो मैं आपको बताऊं तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और आप लोग हैं, आप लोगों ने, मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं एक देश हूं आप एक देश हो, मैंने कहा यार हम लोग अपने 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 बीच में आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब क्या है सर? मतलब जो व्यापार करते हैं, जो वस्तुएं बनाते हैं एक देश से दूसरे देश में जाती है, जो उस पर टैक्सेस लगते हैं, उनको गाइज हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत नेग्लिजिबल लेवल पर रखेंगे। मतलब ये नहीं कि हम इतने टैरिफ इंपोज कर दें कि जब एक वस्तु दूसरे देश में आए तो उसके प्राइस इतने ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो दूसरे देश में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल चाइना में जा रहा है, गाइस चाइना ने इतने टैक्सेस उस पर इंपोज कर दिए कि वो चाइना में जब जाता है तो उसके कंपैरिजन का दूसरा प्रोडक्ट भी वहां पर अवेलेबल होता है, और यहां पर जब ये दूसरे देश में जा रहा है, जैसे इंडिया का अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं बात करूं पेन है, अब ये इंडिया है, इंडिया फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं चाइना में बेच रहा हूं, चाइना ने इतने टैक्स लगा दिए कि इसका वहां पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसकी डिमांड ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके प्राइस ज्यादा है। तो कहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता करेंगे, जो एक देश दूसरे देश में वस्तुएं बेच रहा है उस पर जो टैक्सेस होंगे गाइस उसको हम बहुत कम रखेंगे, जिससे कि कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन लेवल पर कह सकते हैं एक दूसरे देशों के बीच में जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो। क्या है और आते हैं डिटेल में क्यों इसे बनाया गया, ये सारी बातें आते हैं चर्चा करते हैं। अब जरा समझिएगा क्योंकि मैं लिखकर नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, तो एक पॉइंट को जरा माइंड में सेट करना। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 4-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द ट्रेड मिनिस्टर सुरेश प्रभु, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु, सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु। जो सुरेश प्रभु जी हैं वो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कह सकते हैं व्यापार मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में 4 लोगों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है। ये जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको सजेस्ट करेंगे कि भाई तुम्हें 16 मेंबर का जो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसमें रहना चाहिए या इसमें से विड्रॉ कर लेना चाहिए। आप ऑलरेडी इसका पार्ट है, क्या आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें से विड्रॉ कर लेना चाहिए? जरा समझिएगा भाई, जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सरकार है उसने 4 members का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है और उसकी अध्यक्षता करेंगे सुरेश प्रभु जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। यह मोदी जी को एडवाइस करेंगे अरे भाई मोदी जी तुमको ये 16 देशों का जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें से तुम्हें निकल लेना चाहिए। रीजन की बात करेंगे और डिटेल में देख लेते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ब्लॉक कंप्राइजेस 10 आसियान ग्रुप मेंबर्स, जो कल हमने डिस्कस किए थे, आसियान मेंबर्स जितने भी हैं 10 वो इसका सदस्य हैं। इसके अलावा 6 FTA पार्टनर हैं। 6 FTA पार्टनर की बात करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर हैं, उसमें इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। रीजन है इसका भारत को ये सजेशन देने का क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का चाइना के साथ यार बहुत ज्यादा घाटा चल रहा है, व्यापार घाटा। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो और घाटे की यहां पर चांसेस रहेंगे, तो इसी वजह से यहां पर इनको सजेशन दिया जाएगा कि भाई तुमको इसका पार्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। रीजन इसका सिर्फ इतना है, जो व्यापार घाटा बना हुआ है 2 देशों के बीच में वही यहां का मुद्दा बना था। GOM की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, ऑल्सो इंक्लूड दी वित्त मंत्री जो अभी टेम्परेरी है, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें या पावर मिनिस्टर की बात करें या रेलवे मिनिस्टर की बात करें, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर की बात करें, पीयूष गोयल इसके सदस्य हैं, निर्मला सीतारमन जो कि डिफेंस मिनिस्टर है बट इससे पहले वो कह सकते हैं गाइज आपको पता होना चाहिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थी, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हरदीप पुरी, यह लोग भी इसके सदस्य हैं। सर हमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है RCEP की फुल फॉर्म क्या है, दूसरी चीज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया इसको हेड कौन करेगा, तो इसको हेड करेगा गाइस आपको याद रखना है सुरेश प्रभु। तीसरी बात करते हैं, इसके मेंबर टोटल कितने हैं, 16 जिसमें 10 आसियान मेंबर हैं, 3 FTA, 6 टोटल FTA मेंबर हैं। FTA की बात करते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका पार्ट है। मुझे लगता है ये न्यूज बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्पेशल असिस्टेंस ऑफ 500 करोड़ रुपी फॉर OBC कम्युनिटी टू हेल्प देम डेवलप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ।
महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को विकसित करने में मदद के लिए ओबीसी समुदाय के लिए 500 करोड़ की विशेष सहायता की घोषणा की है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो या तीन तरीके से पूछ सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आएगा कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर स्पेशल असिस्टेंस का अनाउंसमेंट किया है ओबीसी समुदाय के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, गाइस जॉब अपॉर्चुनिटीज को बिल्डअप करने के लिए, तो वो याद रखना है हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दूसरा, किस कैटेगरी को स्पेशल एम्फेसाइज दिया गया है, फोकस किया गया है, तो वो है ओबीसी कैटेगरी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आ सकता है कितना अमाउंट दिया गया है, तो वो हमें याद रखना है 500 करोड़ रुपए यहां पर दिया गया ओबीसी कम्युनिटी के लिए। तीनों ही चीजें क्लियर होनी चाहिए, तीनों ही तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो याद रखना चाहिए। इस न्यूज को मैं चिरकुट मार्क करूंगा, डेफिनेटली इस प्रकार की न्यूज आ सकती है। कभी कभी हमें पढ़कर लगता है नहीं यार ये नहीं आएंगी, बट इस प्रकार की न्यूज भी एग्जाम में आ रही है, तो इसे भी प्लीज 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 याद करते हुए आप चलेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है 500 करोड़ रुपए की स्पेशल असिस्टेंस फॉर दी ओबीसी कम्युनिटी टू हेल्प देम डेवलप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दी यूथ। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज गाइज, ये द हिंदू की, कल के द हिंदू का एक कह सकते हैं कटिंग है, मैंने यहां पर पेस्ट किया है, ये आप एक बार पढ़िएगा अपने अकॉर्डिंग, बट मैं अपनी लैंग्वेज में आपको डिटेल में समझा देता हूं। कन्नड़ राइटर एंड पोइट, जरा समझिएगा, कन्नड़ राइटर एंड पोइट सुमाथिंद्र आर नदी का हाल ही में निधन हो गया, वह 83 वर्ष के थे। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस न्यूज को। अगर एक मैं ऑबिचरी की बात करता हूं तो ऑबिचरी एग्जाम में आ रही है, ऑबिचरी एग्जाम में आ रही है, तो उन पर एम्फेसाइज करना पड़ेगा। कन्नड़ राइटर और पोइट सुमाथिंद्र आर नदी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 83, इनका निधन हो गया है और ये 83 वर्ष के थे। हमें इसमें से क्या याद रखना है, हमें यहां से याद रखना है सुमाथिंद्र आर नदिक डैश करके ही वॉज राइटर, ही वॉज पोइट, इतना इसके अलावा कुछ नहीं। अगर डिटेल में याद रखना है तो फिर कन्नड़ पोइट याद रखिएगा, कन्नड़ पोइट थे क्या मलयालम पोइट थे, इस तरीके से आ सकता है। तो हमें याद रखना है कन्नड़ राइटर या कन्नड़ पोइट सुमाथिंद्र आर नदिक का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट गाइज देखते हैं एक और न्यूज है, गुरुमूर्ति अपॉइंटेड टू हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ द आरबीआई। अगर हम बात करें आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स की, तो टोटल 21 गाइज इसमें मेंबर्स होते हैं, और डिटेल में हमने आरबीआई चैप्टर में डिस्कस भी किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके अलावा बात करें अपॉइंटमेंट पे आते हैं, तो अपॉइंटमेंट किन किन व्यक्तियों का हुआ है बोर्ड में, चलिए वो यहां पर देख लेते हैं। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, एक बार जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। एस गुरुमूर्ति एंड सतीश काशीनाथ मराठे, जरा समझिएगा, एस गुरुमूर्ति एंड सतीश काशीनाथ मराठे हैव बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर्स। एस गुरुमूर्ति और सतीश काशीनाथ मराठे को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में चार वर्ष के लिए अंशकालिक गैर आधिकारिक निवेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट बात करिएगा इस न्यूज को, डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर्स। सो गाइस आंसर इज द एस गुरुमूर्ति एंड द सतीश काशीनाथ मराठे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इसके बोर्ड में, आरबीआई के बोर्ड में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। अब ये 21 मेंबर्स में से कितने डायरेक्टर होते हैं, या यूं कहें कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने लोकल बोर्ड से आते हैं, कितने गाइस कह सकते हैं कि किसी मंत्रालय से आते, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से आते, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कितने डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं, कितने कह सके आरबीआई के गवर्नर तो एक ही रहेगा, कहां कहां से सदस्य आते हैं, ये आपका छोटा सा होमवर्क रहेगा, ये आपको बताना है। इसको डिटेल में कल मैं डिस्कस करूंगा कि टोटल मेंबर्स जो 21 होते हैं उनका बाइफरकेशन कैसे है, कहां कहां से कितने कितने मेंबर आते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। निखिल नंदा की बात करेंगे। निखिल नंदा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एस्कॉर्ट। निखिल नंदा को एस्कॉर्ट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सिर्फ एक लाइन में याद रखना है, ज्यादा डिटेल नहीं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एस्कॉर्ट। सो गाइस आंसर इज द निखिल नंदा को एस्कॉर्ट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, थर्ड इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तीसरी भारत नेपाल समन्वय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस न्यूज को इंपॉर्टेंट मार्क करेगा क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में इंडिया जापान का डायलॉग पूछ लिया गया। अगर उस न्यूज को हम पढ़े तो कहेंगे यार डायलॉग मतलब क्या, वार्तालाप ही तो ये नहीं आएगा, बट आ रहा है, समझना आ रहा है, तो हमें भी इस प्रकार की न्यूज को इंपॉर्टेंट मार्क करना पड़ेगा। थर्ड इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग का जो वेन्यू रहा वो कहाँ रहा था, नई दिल्ली रहा था। आते बढ़ते देखते नेपाल के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट को। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी की बात कर रूपी, विद्या देवी भंडारी इज अ प्रेसिडेंट, विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट है, एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करें केपी ओली इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल।
कैपिटल क्या रही काठमांडू, करेंसी रही रुपी। विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट एंड खड़गा प्रसाद ओली यूं कहें केपी ओली इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल। बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीराबाई चानू विड्रॉ हिज नेम फ्रॉम एशिया गेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अगस्त इन जकार्ता। मीराबाई चानू ने जकार्ता में 18 अगस्त से शुरू हो रहे एशियाई खेलों में अपना नाम वापस ले लिया है। सर इस प्रकार की न्यूज़ क्यों आपने ऐड करी, इस प्रकार की न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट होती नहीं है। हाँ डेफिनेटली गाइज, अगर कल विराट कोहली अपना नाम सीरीज से वापस ले लेता है तो क्या वो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो क्रिकेट है। यहाँ पर मैं बात करूँ मीराबाई चानू की तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इनके द्वारा गोल्ड मेडल भी जीता गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट इनका नाम बनता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि जो एशियाई गेम्स है, जो इतने एशियाई खेल हैं उसका वेन्यू क्या रहेगा गाइज, उसका वेन्यू है इंडोनेशिया जो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं प्लीज चाहूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दे पाए कि मीराबाई चानू साइकॉम, एग्जैक्टली नेम है इनका साइकॉम, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। यहां पर मैं चाहूंगा प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दे, मैं वेट कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन, ये किस स्टेट से है। दूसरा क्वेश्चन देखना, एग्जाम के क्वेश्चन है दोनों यहां पर, अभी तक आंसर नहीं। वेट लिफ्टिंग, ये गाइज वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू द वेट लिफ्टिंग। सेकंड क्वेश्चन, शी इज फ्रॉम विच स्टेट, यह किस स्टेट से है। तो यहां पर आंसर आया प्रिया मजूमदार जी का कि यह मणिपुर से है। तो गाइज प्लीज दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, मणिपुर से है मीराबाई चानू, और दूसरा आंसर यहां पर याद रखना है शी इज अ वेट लिफ्टर। तीसरा क्वेश्चन यहां से याद रखना है एशिया गेम्स का वेन्यू क्या रहेगा, एशिया गेम्स का वेन्यू रहेगा इंडोनेशिया, स्टार्टिंग हो रही है जकार्ता से। बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विश्व के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन एग्जाम में यूं भी आ सकता है, एक तरीके का तो यही है कि किसके द्वारा इनॉग्रेशन रहा, दूसरा ये भी हो सकता है कि इन विच स्टेट वर्ल्ड फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड, किस राज्य में विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। सो आंसर की बात करते हैं, आंसर इज दी आंध्र प्रदेश। आते हैं देखते हैं और डिटेल में इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल टीम से गुजारिश अगर स्क्रीन जूम हो पाए, वर्ल्ड का फर्स्ट एवर फैसिलिटी टू क्रिएट थर्मल बैटरीज वॉज इनॉग्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। कहीं ना कहीं गाइस पॉल्यूशन जितना भी है उसमें कमी होने में इससे कह सकते हैं कहीं ना कहीं गाइस कह सकते हैं योगदान मिलेगा। वर्ल्ड की जो फर्स्ट एवर फैसिलिटी टू क्रिएट थर्मल बैटरीज वॉज इनॉग्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई दी बेस्ट BEST, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेल इज एम्ड एट बूस्टिंग अप रिन्यूअल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अपने तरीके का पहला यहां पर सेल है जिसके द्वारा क्या होगा, जो एनर्जी प्रोडक्शन है गाइस सोर्सेज की बात करें उसमें एक रिन्यूअल सोर्सेज है, उसमें यहां पर बूस्टअप मिलेगा, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें यहां पर लिखा है दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, द प्लांट विल बिगिन इट्स कॉमर्शियल ऑपरेशन फ्रॉम May 2019 से कह सकते हैं ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। बेस्ट इज प्लानिंग टू क्रिएट अ बैटरी कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट। यहां पर सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड। इस पूरी न्यूज में से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है किस राज्य में, बस इतना इंपॉर्टेंट है किस राज्य में, वो है आंध्र प्रदेश। किस व्यक्ति ने किया है तो वो व्यक्ति का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, बाकी का समय व्यतीत मत करिएगा इसको पूरा पढ़ने में। बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अनीता कुमार हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ द व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन, WHCA की यहां पर बात हम कर रहे हैं। अनीता कुमार व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन बोर्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला यहां पर, या यूं कहें पहली भारतीय अमेरिकी यहां पर बनी है, जरा समझिएगा। अनीता कुमार व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन बोर्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां करेगा एग्जाम में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना है। इसके अलावा और क्या बात है, WHCA क्या है, चलिए आते हैं उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जर्नलिस्ट हु कवर व्हाइट हाउस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यह है गाइज एक तरीके से मैं बात करूं सरल शब्दों में, जर्नलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जरा समझना। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट विच वॉज फॉर्म इन द ईयर ऑफ 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट है ओलिवियर नॉक्स इज अ प्रेसिडेंट, एंड लोकेशन की बात करें तो Washington DC, वही हमें याद रखना है, Washington DC USA इसकी लोकेशन है। ये सारी बातें प्लीज क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, छप गया हमारे जितनी न्यूज हमने यहाँ पर डिस्कस की है।
मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, कह सकता हूं गाइस, बिल्कुल आपको मैं एक तरीके का ट्रस्ट कहूंगा कि आप मुझ पे करिएगा, आने वाले समय में मैं अगर न्यूज को नहीं इंक्लूड कर पाता हूं किसी भी कारण से, तो मैं उसे एमसीक्यू फॉर्म में या तो स्टार्टिंग में या उसे एंड में डिस्कस करूंगा, चाहे वो कोई भी न्यूज हो, वो चाहे चिरकुट न्यूज हो, चाहे इंपॉर्टेंट न्यूज हो, किसी भी तरीके की न्यूज होगी उसे मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा यहां पर, एज अ एमसीक्यू कह सकता हूं अगर मैं न्यूज नहीं फ्रेम कर पाता। प्लीज समझिएगा, कोई भी अगर न्यूज मिस होती है तो उसे मैं मिस नहीं होने दूंगा, एज अ एमसीक्यू कोशिश करूंगा उसे इसमें इंक्लूड करने की अगर वह मिस हो भी जाती है। तो इससे मैं चाहता हूं ये सिंगल प्लेटफॉर्म हो जहां पर आपको सारी की सारी न्यूज कवर हो जाए, ना आपको कोई पीडीएफ पढ़ना पड़े, ना ही आपको कुछ भी देखना पड़े, आपके लिए बैंकिंग हो, चाहे कोई भी इकोनॉमी की टर्म हो, इवन कुछ भी हो, उसे यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूं। नेक्स्ट गाइज डिबेंचर, जस्ट बिकॉज ऑफ ये वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसको आज नहीं इसे लेना चाहूंगा डिबेंचर को, बट आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अब इसमें एक और चीज ऐड करिएगा, डिबेंचर प्लस इक्विटी, समझना गाइज, डिबेंचर प्लस इक्विटी या यू कैन शेयर्स को ऐड करिएगा, क्या होते हैं शेयर, क्या होते हैं डिबेंचर, दोनों में अंतर क्या है, दोनों कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बात है। ये नहीं वर्क कर रहा इसलिए मैंने यहां पर नहीं इसे समझाऊंगा, रीजन वर्बली मैं नहीं समझा सकता, मुझे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, चाहे चुन्नू का हो चाहे मुन्नू का हो, इसलिए मैं इसे कल टेकअप करूंगा, कल इसको डिटेल में समझाऊंगा कि डिबेंचर या ऋण पत्र क्या होता है। आते हैं बढ़ते हैं, इसके लिए मुझे माफ करिएगा, कल मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। आते बढ़ते हैं, देखते हैं इन पर बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सुमाथिंद्र आर नदी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? सुमाथिंद्र आर नदी वो हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट, ही वाज द राइटर, ही वाज द प्रोड्यूसर, ही वाज द डायरेक्टर, ही वाज द साइंटिस्ट एंड ही वाज द डायरेक्टर। सो गाइस आंसर की बात यहां पर करते हैं, जो आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का, वो आंसर यहां पर जो बना हुआ है वो आंसर आ रहा है ही वाज द राइटर, वह एक राइटर थे, वह एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर्स, किसको भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 4 वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो आंसर की बात करें, एस गुरुमूर्ति एंड सतीश काशीनाथ मराठे बोथ हैव बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर्स। टोटल मेंबर्स की बात करते हैं, टोटल मेंबर्स इसमें 21 होते हैं, कहां कहां से कितने मेंबर अपॉइंट होते हैं, ये सारी बातें आपको मुझे बताना है आज वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में, कल मैं आपके साथ डिटेल में इसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, इन विच सिटी थर्ड इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग वॉज हेल्ड, किस शहर में तीसरी भारत नेपाल समन्वय बैठक आयोजित हुई? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून या भोपाल? सो आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली वॉज द वेन्यू ऑफ द थर्ड इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विद विच स्टेट गवर्नमेंट, यूं कहें विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस स्पेशल असिस्टेंस ऑफ ₹500 करोड़ फॉर ओबीसी कम्युनिटी टू हेल्प देम डेवलप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। सो आंसर की बात करें, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को विकसित करने में मदद के लिए ओबीसी समुदाय के लिए ₹500 करोड़ की विशेष सहायता की घोषणा की है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ द एस्कॉर्ट, किसको एस्कॉर्ट के प्रबंध अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सभी के सभी यहां पर नंदा है, इनके फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद गाइस कह सकते हैं इन्हीं को यहां पर सीएमडी बनाया गया। सो आंसर की बात करें, निखिल नंदा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एस्कॉर्ट। आई होप सो गाइस ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, या यूं कहें किस स्टेट से ये आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आंसर की यहां पर बात करते हैं, शी इज अ वेट लिफ्टर, यह भारोत्तोलन से संबंधित है और ये वेट लिफ्टर है। और दूसरी बात करें यहां पर किस स्टेट से आती है, तो उस स्टेट का नाम आपको याद रखना है, उस स्टेट का नाम यहां पर मणिपुर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट इन आंध्र प्रदेश, किसने आंध्र प्रदेश में विश्व के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया? सो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट, है यूं कहें वर्ल्ड फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट का इनॉग्रेशन किस स्टेट में रहा है, तो उस स्टेट का नाम है यहां पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज सेट अप अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लुक इन टू इश्यूज रिलेटेड टू प्रपोज्ड मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन शॉर्ट RCEP, हु विल हेड दिस ग्रुप? सो आंसर की बात करें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु, राज्यसभा MP फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश विल हेड दिस पर्टिकुलर ग्रुप विच हैज बीन सेट अप बाय दी गवर्नमेंट टू लुक इन टू इश्यूज रिलेटेड टू दी प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। आई होप सो गाइस सारी चीज आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, Who has become the first Indian American to be elected to the board of the White House Correspondent Association? कौन White House Correspondent Association board के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है?
गरिमा, अनीता कुमार, रितु शर्मा, निर्मला शर्मा या विर्मा जैन। सो गाइस आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अनीता कुमार हैज बिकम दी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड टू बोर्ड ऑफ दी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन। यहीं पर हम सेशन को एंड अप करेंगे गाइज, और भूलना नहीं है आपको कि हर सुबह सुबह 7 बजे हमारी मुलाकात होती है, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार। आपके पास वीडियो का लिंक आए या ना आए, आपको सुबह आना है, सुबह 7 बजे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सारी न्यूज को। एक एक न्यूज अगर मिस भी होती है तो मैं नेक्स्ट डे उसे इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मेरा ओवरऑल उद्देश्य रहेगा कि मंथली बेसिस पे आपको सारा करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाए। क्या सर क्या कह रहे हैं? हाँ, मंथली बेसिस पे आपको जल्दी ही मैं गाइज करंट अफेयर प्रोवाइड करने लगूंगा, उससे मैं फिर डिस्कस भी किया करूंगा, पेपर फॉर्म में प्रिंट भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, कि जो मंथली हमारा रहेगा अगस्त की रहे चाहे कोई भी रहे, उसको अब से हम गाइज मंथली भी आपको प्रोवाइड किया करेंगे, जितना कंपाइलेशन करके कि मंथली ये न्यूज है, और न्यूज मिस भी होंगी उसमें भी हम उसको इंक्लूड करके देंगे। अगर आप इस डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं और आप चाहते हैं ऐसा हो, तो प्लीज मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, यस सर हम रेडी हैं, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं अब आपके लिए लेकर आ रहा हूं जल्दी ही मंथली क्लासेस भी। सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।